बॉलीवुड की इंडस्ट्री को सलमान खान ने एक से बढ़कर एक हिट दी है, चाहे वो मासूमियत भरे अंदाज से बजरंगी भाईजान हो या फिर एक्शन रोल में खड़े हुए सलमान खान। बड़े सारे किरदार करने के बाद उनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मगर उनकी कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो कि रिलीज नहीं हो पाई, मगर जब वो रिलीज हुई तो उनके गाने आज तक याद किए जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। सलमान खान की एक ऐसी मूवी जो कि रिलीज नहीं हो पाई थी, 1997 में ये मूवी बनी थी, इसका नाम था दस, जो कि रिलीज नहीं हो पाई थी और इसको डायरेक्ट किया था, वो किया था मुकुल आनंद ने। और इस मूवी के रिलीज होने वाली, जो 1997 में रिलीज होने वाली थी, इसकी विकीपीडिया पे डेट है 2005 की। तो क्या हुआ था इस मूवी के बीच में और क्यों ये कहानी नहीं रिलीज हो पाई? आपको बता दें, सलमान खान की एक्शन मूवी होने वाली थी जिसमें जो है कई सारे जाने माने किरदार देखने को मिलते, चाहे वो शिल्पा शेट्टी होती, रवीना टंडन होते, संजय दत्त होते और कई सारे किरदार थे। उस वक्त पे जो है ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी क्योंकि इसके डायरेक्टर की मौत हो गई थी। डायरेक्टर की मौत के बाद जब ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई, इसे बहुत लंबा वक्त लगा और जब 2005 में मूवी रिलीज हुई तो उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला। आपको बता दें, इस मूवी का जो है गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है सुनो गौर से दुनिया वालों। इस गाने को आज तक बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है और जिसको लेके ये मूवी नहीं बल्कि ये गाना जो है लोगों के दिलों में बसा हुआ है और इसी से इस मूवी के किरदारों को भी जोड़ा जाता है। सलमान खान की मूवी जो है बहुत ज्यादा प्यार भरी है, या फिर यूँ कहूँ एक्शन मारधाड़ धमाके के साथ भरी हुई है। और लोगों को आज भले ही इस मूवी के बारे में ज्यादा ना पता हो, मगर ये इकलौती ऐसी मूवी थी जो कि रिलीज नहीं हो पाई थी उस वक्त पे, और जब ये बाद में रिलीज हुई तब इसने अच्छी खासी कमाई भी की थी और लोगों का दिल भी जीता था। तो आपको सलमान खान की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अपने ओपिनियन को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।